अपने पाकिस्तानी भरा भी खड़े पाकिस्तान तो, क्या बात है। साडिया कुछ बंदे ही है जेड़े मिलन दे देंगे, दिल सारे का करता उधर वाले का भी इधर वाले के कट्ठे हो अपने पुराने सियाणियों को बैठ के पुछो भी उन्होंने दिल कि करता। एक बार दोनों मुल्क तारियां जरूर मारते, दोनों साइड भरा रहेंगे अपने। मिलने ना आई हो पिंड पैरा लगता जी। दोस्तों जी सत श्री अकाल जीओ, असं अज इतने समैतिक मेले ते आए हाँ। साढ़े नाल इतने है राजस्थान तो, आप इन्होंने पुछते हैं कि इतने मतलब इन्हों का नाम की है, तो अज इतने इन्हें की करते पे ने। ठीक है, दसा कि मैं तुम कितने कि एंड कि आप कि है। सो नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम समदा सपेरा है, मैं इंडिया राजस्थान से हूँ। हम लोग यहाँ 4-5 महीने के लिए आते हैं, यूके में पूरे फेस्टिवल बजाते हैं। ये सर्कस राज है, एक और है हमारा ग्रुप, उनका ब्रास बैंड है वो भी, और हम लोग पूरे यूके के फेस्टिवल बजाते हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहती हूँ आप, क्योंकि यूके में आप सिर्फ मेलों पे करते हैं जो जहाँ पे फेस्टिवल लगता है, जहाँ आपको कोई इनवाइट करता है तब आप जाते हो? जी, हम लोग है ना ये जितने भी यूके के जितने फेस्टिवल है वो भी बजाते हैं, उसके अलावा शादी ब्याह में भी करते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा करके हम लोग फेस्टिवल के प्रोग्राम बजाते, ग्लास नंबरी कैम फेस्टिवल, फिर बाहर भी चले जाते हैं हैंगरी वगैरह यूके से बाहर भी। आप करते क्या, क्या मुझे आप थोड़े चार बता सकते हैं की करते हो तुसी इहदे विच? जी, मैं डांसर हूँ और हमारे साथ जंगलिंग करते हैं, रॉप वॉकिंग है। मुकेश से बताइए। नमस्ते। नमस्ते जी। हम लोग 4 महीने के लिए ही लंदन आते हैं, और ये हर साल हमारा होता है, और ये हर साल के लिए हम लोग यहाँ पे जितने भी गोरे के फेस्टिवल होते वो सब हम लोग करते हैं अटेंड। पर पंजाबियों के मेले में मैंने आपको पहली बार देखा है। इंडियन फेस्टिवल हमें मिलते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, और इतनी खुशी होती है कि हम सोचे कि इंडिया में फिर दोबारा आ गए। लगता है ना कि हम इंडिया में आ गए हैं, मतलब कि मैं ऐसा बोलते हैं कि आप राजस्थान से पंजाब में आए हो, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल, इस टाइम पे तो यही लग रहा है कि हम पंजाब में ही हैं। सही कह रहे हो। आपके जो यहाँ पीछे जेंटलमैन खड़े हैं वो कौन सी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर? हम लोग सब मिलकर 5 लोग हैं, तो 5 लोग मिलकर हम लोग एक्ट करते हैं। जैसे कि ये है लॉन्ग मैन जो पीछे दिख रहे हैं, इसका नाम शेखर है, ये स्टील वॉकिंग करता है और एक्रोबेट करता है। एक है फिरोज जो खड़ताल बजाता है, उसके बाद फिर वो ढोल बजाता है, वो उसका इंस्ट्रूमेंट है वो। हमें कुछ करके वो दिखाएंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और गोविंदा जी है जो नाइफ, इतनी बड़ी नाइफ रहती है वो अपने अंदर ले लेता है, और 5 किलो का पत्थर अपनी आँखों से उठाता है। और ये समझा है, ये डांस करती है। मैं मुकेश हूँ, मैं एक्रोबेट करता हूँ, रोप वॉकिंग करता हूँ। अच्छा, वो जो आपने बोला था चाकू अपने अंदर करता है, वो कौन से भाई साहब है? वो हमारे गोविंदा जी है। अच्छा, गोविंदा जी। गोविंदा, हम लोग पूरा शो तो नहीं कर सकते क्योंकि ना पूरा सेटअप हो गया, एक दो आइटम आपको। अच्छा, एक दो आइटम दिखा दीजिए। मैं चैनल से हूँ, पंजाबी विरासत चैनल है मेरा, तो आपके आइटम मैं वहाँ पे दिखाऊंगी। गोविंद जी, आपकी मैंने बहुत ज्यादा बात सुनी है कि आप पूरा चाकू, पूरा का पूरा चाकू अपने अंदर ले लेती है, कर सकते हैं आप ऐसा कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारे बचपन की प्रैक्टिस है और हम हर फेस्टिवल में करते हैं जी। ये ट्रेडिशनल हमारा जो खानदानी काम होता है, हम यहाँ इंडिया से भी इंग्लैंड में आते हैं, यहाँ जितने भी शो होते हैं सारा शो अपना फन दिखाते हैं हम लोग। आपको डर कभी नहीं लगता कि कभी चाकू इधर का उधर चला गया तो क्या होगा? ऐसा है कि देखो, ऊपर वाले की मेहरबानी है, जीना और बचाना उसका काम है जी। और हम बचपन से प्रैक्टिस करते हैं, हमें कोई खतरा नहीं इन चीजों से जी। बिल्कुल, जब जदों से बिल्कुल पॉजिटिव हो जाने हैं तो अपने आप से पूरा विश्वास होता है, तो असी किसी भी हद तक किसी भी तिखे पदार्थ नाल, तिखे इक्विपमेंट नाल असी ओदे नाल अपने चोच दिखा सकते हैं। इन्हां दे अंदर एक कला है, जो है कला थे करदे ने। आपां मैं चाहांगी कि देखो आप इन्हां दी कला देखनी माड़ी जी, देखो कि किवें चाकुआं दे नाल एक सानू छोटा जिहा एक चोच दिखांदे ने, करतब दिखांदे ने। देखिए जी, ये
आप देखो अपने हाथ में लेके, ये मुझे दे दो आप, ये पीवर स्टील की है और इसकी लंबाई देखो आधे मीटर से ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल आधे मीटर से ऊपर है। तो ये मैं आपके सामने इसको खा के दिखाता हूँ मैं जी। देखिए जी, दो के दो इकट्ठे, दो अच्छा इकट्ठे खा लेता हूँ मैं। ये दो इकट्ठे चाकू जड़े ने स्टील दे, देखो तुसी आधे मीटर तो भी लंबे ने, ए देखो हुण किवें खा लैंदे ने, देखो ध्यान नाल। Wow, it's amazing. Thank you जी पाजी, ये मेरा बचपन का प्रैक्टिस है और मैं हर साल करता हूँ। मुझे करते हुए कम से कम 15-20 साल हो गए इन चीजों को। ये हमारे खानदानी ट्रेडिशनल है और हर जगह करते हम लोग ये पान। बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया। हम ये आज करते हैं कि आप आगे भी ऐसे करते रहें और वो वाहेगुरु अकाल पुरख गॉड हमेशा आपके साथ रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप कुछ डांस परफॉर्मेंस या गीत का क्या कुछ कर? वो अभी नहीं कर सकेंगे क्योंकि पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। अच्छा, मैं भी तलवार पे खड़ी होती हूँ जी, किलो के पाटे उसके साथ खड़े लेके उस पर डांस करती हूं। अच्छा, उसके भाई ये आपका डांस अगर देखना होगा लोगों को कहाँ पे आप आपको देख सकते हैं? कुछ YouTube पे डाला हुआ है सर्कस राज। हमारा जो पूरा शो देखना चाहते हो आप तो हमारा जो बेस है वो सर्कस राज है। आप इस पर हमारा पूरा फन देख सकते हो आप। हमने पूरे UK में नहीं पूरे वर्ल्ड में हमने प्रोग्राम किए। थैंक यू जी। थैंक यू। सो देखो जी, आप पता नहीं चले क्या है, एक बिल्कुल नवी चीज जेडी के पिछले तकरीबन लगभग काफी साल तो थे मेला लग रहा है, 10 to 12 साल तो समय मेला लगता पे, पर ए आप पहली बारी देखे तो तुसी पहली बारी देखे मेरी जिहड़ी इहनां दे नाल लैंग्वेज यूज कीती हिंदी उहदे ते तुसी ना जाणा क्योंकि जदों आपां किसे नाल गल करनी हुंदी तां आपां उह जी जुबान वरतणी पैंदी है। सो आपां नूं किन्ना कुछ पता लग गया, जिहड़े खतरनाक कोतक सन इहनां ने सानूं लाइव करके दिखाया। आम तौर ते आपां टीवी 'च तां देखदे आ पर इत्थे देखण दा स्वाद होर ही आनंद आया। धन्नवाद सारिआं दा, थैंक यू जी। हांजी सति श्री अकाल दोस्तो जी, अज सानूं लै के आया बर्मिंघम दे मेले विच जिथे आपां देखिआ इक पहली बारी देखिया, हमेशा नहीं होंदा बस पहली बारी देखिया, जिथे किताबां दा स्टॉल लगा हैगा, हर पासे खाण पीण दा लगा हुंदा, खिडौणिआं दा लगा हुंदा, पर किताबां दा पहली बारी लगा हैगा जिथे जिन्हां नूं पंजाबी साहित नाल प्यार हैगा, पंजाबी साहित पढ़ना चाहुंदे ने, तां इह टिकटॉक इंस्टाग्राम हैगी, तुसीं इत्थों किताबां खरीद भी सकदे हो। तो जे बहुत है तुसीं जाणदे हो साडा पलविंदर राज रेडियो ते भी हुंदे ने, तुसीं इहनां नाल भी संपर्क कर सकदे हो। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਲਵੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।